इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास एकेडमी। मैं दीक्षा, योर हिंदी टीचर। सो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया चैप्टर, दैट इज पार्ट 2, फसलों का त्यौहार। तो फसलों के त्यौहार से ही हमें समझ में आ रहा है कि हम इस चैप्टर के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो हमारी लेखिका हैं वो क्या हैं, वो बिहार से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने बचपन का एक छोटा सा कहानी, एक छोटा सा वृतांत सुनाया है कि बचपन में उन्होंने भी एक फसल का त्यौहार इन्जॉय किया है, मनाया है, तो वो उनका एक्सपीरियंस कैसा था और वो बाकी जगहों पर किस किस तरीके से मनाया जाता है, तो हम इस चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारी लेखिका हैं वो बिहार से बिलोंग करती हैं, क्योंकि उनकी भाषा को देखकर लगता है जैसे यूपी और बिहार के बॉर्डर पे या तो बोली जाने वाली है या फिर वो कैसी भाषा है, वो हमारी बिहार की भोजपुरी भाषा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये बता रही हैं कि जब ये छोटी थी तो ये कहाँ गई थी, अपने गांव में थी या गई हुई थी या जो भी है, उस समय खिचड़ी का मौसम था। तो खिचड़ी के मौसम में, दैट मीन्स खिचड़ी का जो, कौन सा त्यौहार ये बता रही है, खिचड़ी बता रही हैं। तो खिचड़ी का जो त्यौहार होता है ना, वो मनाया जाता है जनवरी में, जिसे हम लोग मकर संक्रांति भी कहते हैं ना। तो मकर संक्रांति जनवरी में, ये बिहार में है, तो बिहार और यूपी में इस त्यौहार को क्या कहा जाता है, खिचड़ी कहा जाता है। तो ये वहाँ के बारे में बता रही हैं कि उस टाइम तक क्या होता है, मौसम कैसा होने लग जाता है, थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाता है, सन निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है, धूप आने लग जाती है, मौसम थोड़ा सा गर्माहट वाला हो जाता है। लेकिन ये उस समय बता रही हैं कि आज 10 दिन हो गए हैं मकर संक्रांति के दिन की, 10 दिन हो गए हैं, धूप बिल्कुल निकली ही नहीं, सूरज एकदम दिखा ही नहीं है, मौसम कैसा है, बहुत ही ठंडा है, एकदम रजाई से निकलने का भी उनका मन नहीं कर रहा है। तो वो ये चीज़ बता रही हैं कि जो भी यहाँ से, मतलब अगर खिड़की से बाहर अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शाम हो रही है या फिर सुबह हो रही है। तो वो रजाई में आराम से, उनका मन है कि थोड़ी देर हम और सो जाएं, थोड़ी देर हम और सो लेते हैं। तो क्या होता है, वो बाहर से ना उनको आवाज़ आती है, बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही होती है। कैसी आवाज़ें आ रही होती है, जैसे कोई चापाकल चला रहा हो। चापाकल दैट मीन्स हैंडपम्प, जो गांव में लोग हैंडपम्प यूज़ करते हैं पानी निकालने के लिए, वो चला रहा हो। जो हैंडपम्प चलाएंगे तो उसमें से पानी निकलेगा, पानी की झरझर की आवाज़ आ रही है कि पानी उसमें से निकल रहा है। साथ ही वो कह रही है किसी की हाँक लगाने की भी आवाज़ आ रही है। हाँक मतलब क्या होता है, कोई लाउड वॉइस में जब किसी को बुलाता है तो, या फिर किसी जानवर को भगाने के लिए जो शब्दों का यूज़ किया जाता है उसे हाँक लगाना कहते हैं, ठीक है। तो वो हाँक लगाने की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो कोई वहाँ से, शायद उनकी दादी आवाज़ लगाती हैं कि अरे ये सब क्या सोते ही रहेंगे, उठेंगे नहीं, अरे कोई देखो केले के पत्ते आए हैं या नहीं। लेकिन अपनी भाषा में क्या कहती हैं उनकी दादी, उनकी दादी या जो भी घर के कोई बड़े हैं, आवाज़ लगाते हैं, पूछते हैं, जा भाग के देख केरा के पत्ता आए कि ना। दैट मीन्स जाओ भाग कर देख कर आओ कि पूजा का टाइम हो गया है, केले के पत्ते आए हैं या नहीं। दूसरी बात वो क्या कहती हैं, आज ये लोग उठे के नहीं खे का, क्वेश्चन पूछती है कि आज ये लोग का उठने का मन नहीं है क्या, सोते ही रहेंगे, कोई इनको बोलो जल्दी तैयार होकर, कोई इनको बोलो कि जल्दी तैयार हो जाएं। तो जो हमारी लेखिका कहती हैं, क्या कहती हैं, अब तो उठना ही पड़ेगा वरना डांट पड़ जाएगी। तो लेखिका उठ जाती हैं और जब नहा धोकर सब एक कमरे में, सब लोग एक साथ एक कमरे में आते हैं। गांव में यही चीज़ एक अच्छी होती है कि जब कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी चीज़ होती है, जब कोई भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं तो सब पूरा परिवार इकट्ठा होकर एक साथ मनाते हैं। तो यहाँ पर भी एक कमरे में सारा परिवार इकट्ठा हो गया। उस समय में उन्होंने अपने दादाजी और अपने चाचा जी को देखा। किसको देखा, अपने दादाजी और चाचा जी को देखा। वो लोग कैसे कपड़े, वो लोग एकदम, जब हमारा नया कोई फेस्टिवल होता है या खुशियों वाला कोई फेस्टिवल होता है, हम नए कपड़े पहनते हैं, ऐसे उन्होंने एकदम चकाचक सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं, माड़ लगे हुए। अच्छा, एक शब्द यूज़ किया गया, माड़ लगा हुआ, दैट मीन्स जब कॉटन का कपड़ा होता है उसको कड़क बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, कड़क बनाने के लिए उसमें मांड दिया जाता है, उससे वो कपड़ा
लूज नहीं होता, एकदम कड़क ऐसे खड़ा ही रहता है, स्ट्रेट रहता है, एकदम सारी क्रीज दिखाई देती रहती है। ठीक है, तो मांड लगा हुआ सफ़ेद रंग का एकदम चकाचक कुर्ता पहनकर आते हैं वो। तो यहाँ पर उनके पिताजी जो होते हैं वो कहते हैं कि खिचड़ी के, दैट मीन्स मकर संक्रांति के ऐसे ठाट, ऐसी जो मतलब ये जो रौनक है यहाँ पर कि सारा परिवार एकदम नए सजे धजे कपड़ों में आ रहा है, सज धज कर आ रहा है, ऐसे ठाट तो मैंने कभी नहीं देखे। वो अपनी भाषा में जो कहते हैं, क्या कहते हैं, खिचड़ी के ऐसन ठाट हम पहले कबो ना देखनी, सारा देह कनकना देना देता। तो इसका क्या मतलब है, वो ये बताना चाह रहे हैं अपनी भाषा में, ये कह रहे हैं कि ऐसा नज़ारा देखकर तो मेरी बॉडी में मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि वाह कितनी मतलब कितना एक अलग ही एहसास है इस चीज़ का। तो अब हमारी लेखिका कह रही है कि धोती कुर्ता तो इन्होंने पहन लिया, लेकिन जब 10 दिन से सूरज नहीं निकला तो मौसम कैसा होगा, बहुत ठंडा होगा। तो कहती है मौसम इतना ठंडा है कि इन लोगों को देखकर लग रहा है कि इनको धोती में या धोती कुर्ते में ठंड लग रही होगी। अब वो अपने दादी के बारे में बताती हैं कि जो उनकी दादी हैं वो कैसी हैं। दादी कहाँ पे बैठी हुई हैं, एक खाट पर, एक मचिया शब्द यूज़ किया गया है यहाँ पे खाट के लिए, जैसे हमारा बेड होता है ना कुछ इस तरह का, हमारी एक मचिया होती है। ठीक है, इस पर कुछ इस तरह ऐसे ऐसे लाइन बनी होती है अगर आपने देखा होगा। ठीक है, तो एक मचिया है, मचिया पर उनकी दादी बैठी हुई हैं और दादी ने क्या पहनी हुई है, सफ़ेद रंग की। दादी ने क्या पहनी है, दादी ने पहनी है सफ़ेद रंग की साड़ी। किसकी साड़ी, तो खादी की साड़ी पहनी है। खादी की साड़ी समझते हैं आप, खादी की साड़ी मतलब जो पहले लोग हाथों से वो चरखे से जो धागा बनाते थे उनसे जो साड़ियाँ बुनी जाती थी उन्हें कहते हैं हम खादी की साड़ी। ठीक है, तो उन्होंने खादी की साड़ी पहनी हुई थी, उन्होंने बाल अपने धोए हुए थे, तो उनके बाल ऐसे खुले रखे हुए थे, खुले थे, फूले फूले से बाल, ऐसा लग रहा था कि इसमें मतलब कभी इनके बाल कभी काले रहे ही नहीं होंगे, एकदम सफ़ेद क्लीन पूरे बाल, एक एक करके सब बाल सफ़ेद हो चुके थे। तो वो यही बताती कि उनके बालों को देखकर कभी ऐसा लगता नहीं, अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कभी इनके बाल काले भी रहे होंगे, इतने सफ़ेद थे वो, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही थी उनकी दादी। उनके सामने क्या रखे गए थे, दादी के सामने रखे गए थे कुछ केले के पत्ते। ठीक है, उन केले के पत्तों पर अलग अलग सामान रखा गया था, अलग अलग सामानों से ढेर बनाए गए थे। किन किन चीज़ों के ढेर बनाए गए थे, यहाँ पर सपोज़ कर लो यहाँ पर तिल, एक में तिल रखा गया है, एक में चावल है, एक में मीठा, मीठा मतलब हम आपको गुड़ कह सकते हैं क्योंकि गुड़ को ना पूजा के लिए शुभ माना जाता है। तो एक में गुड़ रखा हुआ है और उन्हें बारी बारी से करके क्या कहा जा रहा है कि आप आओ, इनको टच करो, इनको हाथ लगाओ, प्रणाम करो और जाओ, और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, ये सारा सामान इकट्ठा करके दान दिया जाएगा पंडितों को। ठीक है, हमारे यहाँ रिवाज होता है कि जब भी कोई त्यौहार हम मनाते हैं तो हम अपनी खुशियाँ औरों के साथ भी साझा करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये क्या करते हैं, ये दान वगैरह क्या है, ये सब हमारी दी हुई कुछ चीज़ों से किसी और का, अगर किसी और का घर चल सकता है, किसी और का थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है तो हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए। हमारी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी खुशियों को औरों के साथ भी साझा करते हैं, बांटते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे ढेर बना करके रखे जाते हैं और सब इनको छूते हैं और बाद में इन्हें दान कर दिया जाता है। उनकी एक बहन की बात बता रही हैं वो लेखिका, अपनी बहन की बात बता रही हैं। कौन है उनकी बहन, अप्पी दीदिया उनको वो बुलाती हैं। तो अप्पी दीदिया की बात बता रही हैं वो, क्या बता रही हैं अप्पी दीदिया के बारे में, कि अप्पी दीदिया को दही चूड़ा और खिचड़ी तीनों ही पसंद नहीं है। क्या क्या चीज़ें हैं, दही, जो हमारे मकर संक्रांति जब हम मनाते हैं, जो यूपी बिहार के लोग हैं जब मकर संक्रांति मनाते हैं तो उसमें रिवाज होता है, एक रस्म होता है, कहते हैं शुभ माना जाता है। तो वहाँ पर क्या खाते हैं, दही चूड़ा खाया जाता है और साथ में और क्या खाया जाता है, सुबह लोग दही चूड़ा खा लेते हैं, दोपहर या शाम तक क्या खाते हैं, खिचड़ी खाई जाती है उस दिन, कहते हैं ये खाना शुभ मानते हैं। ठीक है, तो अब ये तो सबको कंपलसरी है, सबको खाना ही पड़ेगा। तो उनकी जो बहन है उनको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अब आपको भी जब कोई चीज़ पसंद ना हो और ज़बरदस्ती आपको खानी पड़ जाए, मैंडेटरी हो जाए आपके लिए वो चीज़, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना सिचुएशन, आपको भी गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता, आप भी बुरा फील करते हो, लेकिन फिर भी खाना ही पड़ता है। तो सेम वही सिचुएशन उनकी सिस्टर के साथ में, उनकी बहन के साथ में है, जो बिल्कुल पसंद नहीं करती लेकिन उनको फिर भी खाना पड़ेगा आज।
क्योंकि खिचड़ी है तो खिचड़ी के दिन खिचड़ी खानी ही है। मकर संक्रांति का जो त्यौहार है उस दिन खिचड़ी, उसको खिचड़ी बुलाते हैं ये लोग बिहार में और यूपी में, तो वहाँ पे क्या कहेंगे ये लोग कि ठीक है आज तो खाना ही है, खाना ही पड़ेगा। अब सारे बच्चे, अब तो ठीक है खाना पड़ेगा तो खाना पड़ेगा, तो सब लोग ये सब खा करके ये सब खाने के बाद गया से, उनके यहाँ कहाँ से गया, गया एक जगह का नाम है जो कि कहाँ है, बिहार में है। यहाँ पर शिव जी का एक मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पर लोग दूर दूर से भी आते हैं। तो गया का जो मंदिर है यहाँ से प्रसाद आया है, किस चीज़ का प्रसाद है, या प्रसाद कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं तिलकुट आया है। क्या आया है वहाँ से, तिलकुट आया है। तो उस तिलकुट को, तिलकुट किससे बना हुआ होता है, गुड़ से, तिल से या चीनी, इन तीनों के मिश्रण से या फिर दो चीज़ों के मिश्रण से बनाया जाता है तिलकुट। तो ये लोग तिलकुट खाकर एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर ये बताती हैं, ये कहती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि कितना अलग है ना सब कुछ। अगर हम आज की डेट में देखें तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे मम्मी पापा हैं, उन्होंने हर त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है, उसके तो सारे मायने भी हमको आज नहीं पता है, नहीं पता होंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चीज़ें नहीं जानते आज की डेट में। बहुत सारी त्यौहार तो धीरे 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 अब ख़त्म ही हो चुके हैं, अब खिचड़ी इस तरह से या फिर मकर संक्रांति इस तरह से हम नहीं मनाते हैं। तो वही वो कह रही हैं, उनका ये भी कहना है, उनका ही ये कहना है कि कितना अलग था ना ये सब, कि खिचड़ी जो हम आज मनाते हैं और जो पहले मनाते थे तो उसमें कितना अंतर हो गया है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर, मैं कह सकती हूँ कि बहुत बड़ा अंतर है। फिर वो बता रही हैं कि वो टाइम ही कुछ और था, जब स्कूल से हम जो खिचड़ी हम स्कूल टाइम पे बनाया करते थे उसके ठाट ही अलग थे। वो लोग कहाँ जाते थे, नदी के किनारे जाते थे, वहाँ पर नदी के किनारे जाते थे, वहाँ पर रेत होती थी, रेत में वो लोग भागते हुए क्या उड़ाते थे, पतंगे उड़ाया करते थे, ठीक है। एक साइड में वो लोग पतंग उड़ा रहे हैं, दूसरी साइड में वहीं पे जहाँ रेत वाला जो सिचुएशन है, एक साइड पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे, आप सोच सकते हो, और वहीं थोड़ा दूरी पे लोग अपना खिचड़ी का खाना तैयार कर रहे हैं। पहले सबका खाना एक साथ इकट्ठा बनता था, तो परिवार भी बहुत बड़े बड़े होते थे, तो उन सब के लिए एक साथ खाना बनाने के लिए सब लोग तैयारी में जुट जाते थे। कोई थोड़ा कुछ काम कर रहा है, कोई मटर छील रहा है, कोई प्याज काट रहा है, कोई आलू काट रहा है, कोई चावल साफ कर रहा है, तो इस तरह से कामों को ना डिवाइड करके सब मिलकर किया करते थे। तो कुछ ऐसा ही वहाँ पर भी हो रहा है, इनकी फैमिली, इनके परिवार के जो लोग हैं वो सब मिलके, कौन कौन है, उनके थोड़ी दूर पे उनके गुरु जी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया, सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर, किससे बना चूल्हा, जो हमारे घर के चूल्हे होते हैं उसमें नहीं, ईंट से जोड़ जोड़ कर अलग से एक चूल्हा बनाया गया, और उस पर वो क्या बना रहे हैं, खिचड़ी के लिए उन्होंने कढ़ाई रखी हुई है, और वहाँ पे खिचड़ी तैयार होने की या तैयार करने की तैयारी चल रही है। तो ये भी जब पतंग उड़ाकर ये बच्चे थक जाते हैं तो ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं उन लोगों के पास जाके बैठ जाते हैं, कोई मटर छीलने लग जाता है, तो कोई प्याज काटने में हेल्प करते थे, तो कोई आलू ही धो रहा है, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और फिर वाकई मतलब ये वहाँ पे बात करते हैं कि बता रही है कि जो वो समय की खिचड़ी थी, जो वो समय का प्यार था, जो वो समय की खुशी थी, वो आज के टाइम पे उनको देखने के लिए नहीं मिली दोबारा। आगे वाकई ढंग कैसा भी हो पर खुशियों का त्यौहार तो माने, कोई भी ढंग हर जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन कुछ भी हो त्यौहार हमेशा खुशियाँ लेकर ही आते हैं। फिर ये बताती हैं कि जनवरी जो महीना है हमारा, उसके मध्य में लगभग सभी प्रांत में फसल से जुड़े ना त्यौहार मनाए जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह बेसिकली, जब ये मौसम आता है जनवरी का जो मिड है, मतलब 15 जनवरी की अगर हम बात करें या उससे बाद की बात करें, जब थोड़ी सी गर्माहट शुरू हो जाती है ना, तब की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हर जगह अलग अलग जगहों पे ना अलग अलग तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ आज हम अपना ये वाला चैप्टर यहीं पे आधा छोड़ रहे हैं, इससे नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को करेंगे पूरा, और साथ ही करेंगे इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज है उन्हें कम्प्लीट, ठीक है। सो डोंट फर्गेट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस अभी इससे रिलेटेड आएंगी, इस बुक से रिलेटेड आएंगी, आपके सिलेबस से जुड़ी हुई, वो सब सबसे पहले नोटिफाइड हो सके आपके पास में। तो प्लीज़ डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब, ओके। सो आज के लिए यहाँ पे करते हैं ख़त्म, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इनफ है।